फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने क्लिनिक पे हमेशा पूरे वर्ल्ड में जो भी लेटेस्ट एंड रीसेंट टेक्निक्स हैं हेयर एंड स्किन केयर के लिए, उन्हें लाने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे पेशेंट्स को रीसेंट चीज़ों का एडवांटेज मिल सके। इससे पहले जो भी रीसेंट चीज़ें आई हैं, जैसे कि PDRN थेरेपी, ड्यूटास्टेराइड मेसोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, नैनो फैट ग्राफ्टिंग, स्ट्रोमल वैस्कुलर फ्रैक्शंस, GFC थेरेपी, PRF थेरेपी, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रही हूँ और उसको अपने क्लिनिक पर लेकर आती रही हूँ ताकि हमारे पेशेंट्स को हर लेटेस्ट चीज़ का बेनिफिट मिल सके। उसी तरह आज मैं बात करने वाली हूँ एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे कहते हैं एक्सोसोम थेरेपी, जो स्किन एज वेल एज हेयर ग्रोथ में हमें हेल्प करती है। वो हमारे हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करती है, हेयर फॉल रिड्यूस करती है, साथ ही स्किन में भी एंटी एजिंग बेनिफिट्स देती है और स्किन को अंदर से रिपेयर करने में हेल्प करती है। आज मैं बेसिकली हेयर पे फोकस करने वाली हूँ कि कैसे एक्सोसोम थेरेपी हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकती है। तो मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और आज मैं बात करने वाली हूँ एक्सोसोम थेरेपी के बारे में और कैसे ये एक रेवोल्यूशनरी थेरेपी है जो आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सोसोम्स होते क्या हैं। एक्सोसोम्स स्मॉल पैकेट्स की तरह होते हैं जिन्हें नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, जो हमारे एक सेल से दूसरे सेल पे इन्फॉर्मेशन लेके जाने में हमारी हेल्प करती है। सो एक्सोसोम्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, मैसेंजर RNA, माइक्रो RNA होते हैं। वो सभी ग्रोथ फैक्टरिंग सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिपेयर में हेल्प करते हैं, न्यू वैस्कुलर चैनल्स ओपन करने में हेल्प करते हैं एंड डैमेज टिश्यू में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स को एक्सोसोम जो है वो एक पैकेट की तरह उसको सील करता है और एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाने में हमारी मदद करता है। अगर हम इन एक्सोसोम्स को डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो उन पैकेट्स को सही जगह पे लेकर जा रहा है और वहाँ पर हेयर की ग्रोथ इम्प्रूव कर रहा है, हेयर की थिकनेस इम्प्रूव कर रहा है, सही जगह पे ग्रोथ फैक्टर्स एंड सिग्नलिंग फैक्टर्स को रिलीज़ करके उस टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है। और क्योंकि एक्सोसोम्स में सेल नहीं होते, इट्स एन एसेलुलर कॉम्पोनेंट, इसीलिए एक्सोसोम्स जो है वो सेफ़ होते हैं, उनमें कोई कंटामिनेशन का रिस्क नहीं होता। इनफैक्ट PRP में हम आपका ब्लड लेते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, जबकि एक्सोसोम ब्लडलेस है, उसमें आपका ब्लड नहीं लेना पड़ता एंड एक्सोसोम्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर एक्सोसोम्स हम आपका ब्लड नहीं ले रहे हैं तो ये एक्सोसोम्स आ कहाँ से रहे हैं, जिन्हें हम फर्दर इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर पेनिट्रेट करवा रहे हैं और उससे आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव कर रहे हैं। एक्सोसोम्स जो है वो दो सोर्सेज से डिराइव हो सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है प्लांट डिराइव्ड एंड सेकेंड सोर्स है एनिमल डिराइव्ड। सो प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स जो है उन्हें प्लांट से बनाया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है, जबकि एनिमल डिराइव्ड एक्सोसोम्स को डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड से ले सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट से ले सकते हैं, प्लेसेंटा से ले सकते हैं या फिर एडिपोज डिराइव्ड एक्सोसोम्स यूज़ कर सकते हैं जो फैट सेल से बनते हैं। हमारे क्लिनिक पे जो हम एक्सोसोम्स यूज करते हैं वो मोस्टली प्लेसेंटा डिराइव्ड एक्सोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर एक पेशेंट में 1.5 to 3 ml एक्सोसोम एक सिटिंग में इंजेक्ट किया जाता है और इसके जो सेशन है महीने में एक बार लेना होता है, जिसके अराउंड 3 to 6 सेशन वंस इन अ मंथ चाहिए होते हैं, जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में और थिकनेस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि इन एक्सोसोम्स को हम आपकी स्किन में डिलीवर कैसे करते हैं। अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में एक्सोसोम्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है या फिर उसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू, मेसोथेरेपी के थ्रू या MNRF के थ्रू हेयर के अंदर पेनिट्रेट करवाया जा सकता है एंड फेस के ऊपर, आइज के ऊपर, नेक एरिया के ऊपर एक्सोसोम्स को मोस्ट ऑफ द टाइम हम माइक्रो नीडलिंग के थ्रू पेनिट्रेट करवाते हैं या फिर मेसोथेरेपी के थ्रू उसको अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं। जब हम एक्सोसोम थेरेपी करते हैं तो उसके अंदर 2 to 3 सेशंस के अंदर हम पॉजिटिव बेनिफिट दिखने शुरू होते हैं। स्किन में अगर एक्सोसोम थेरेपी होती है तो 3 to 4 डेज लगते हैं उसका रिस्पॉन्स दिखाई देने में एंड प्रॉपर बेनिफिट जो है वो 2 to 3 सेशंस में आता है एंड हेयर के लिए भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वी नीड एटलीस्ट 3 सेशंस। तो आखिर एक्सोसोम्स में ऐसा क्या स्पेशल है और वो कैसे नॉर्मल थेरेपीज जैसे PRP थेरेपी, GFC थेरेपी या बायोमेमेटिक पॉलीपेप्टाइड्स एंड QR678 से डिफरेंट है। तो एक्सोसोम्स जो है वो पैकेट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को पैक कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हैं, जबकि PRP के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारे हेयर के अंदर जाकर ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कर रहा है और हेयर थिकनेस इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली GFC के अंदर उन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को पहले ही बाहर निकाल लिया गया है एंड प्लेटलेट्स को ना इंजेक्ट करके उन ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट किया जा रहा है।
जबकि QR678 में जो है उसमें भी वैस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स है, पर ये जो सब सोर्सेज है वो आपसे नहीं लिए जा रहे, जैसे PRP या GFC थेरेपी आप ही के ब्लड से प्रोसेस करके बनते हैं, QR678 में ये मॉलिक्यूल्स बाहर से लिए जा रहे हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड है और एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है और फिर आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो तीनों थेरेपीज हैं इनके अंदर डायरेक्टली बायोमेमेटिक पॉलीपेप्टाइड्स या ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट कर रहे हैं, जबकि एक्सोसोम्स जो है वो एक पैकेट है जिसके अंदर ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं और वो एक सेल से दूसरे सेल में उसको लेके जाने में हेल्प करता है। तो वो इस इंफॉर्मेशन को या इन ग्रोथ फैक्टर्स को ज़्यादा अच्छे से सही सेल तक पहुँचा सकता है और इन्हीं प्रोसीजर्स की जो लॉन्जिविटी है और रिजल्ट है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो इनफैक्ट एक्सोसोम अकेले जितना अच्छा काम कर पाएगा उससे बेटर काम वो करेगा अगर हम उसको इन थेरेपीज़ के साथ कंबाइन कर दें, क्योंकि तब वो इन थेरेपीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको भी डीपर पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करेगा और उनके इफेक्ट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सो आई वुड नॉट से कि जो एक्सोसोम है वो PRP और GFC को रिप्लेस कर देगा, उनकी एक अपनी प्लेस है हेयर ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करके हमारे हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करता है। पर एक्सोसोम उन लोगों के लिए है जिनमें ऑलरेडी वो ये सब करवा चुके हैं और उसके बाद एक रिजल्ट स्टैग्नेंट हो चुका है, तो अगर हम उसके साथ एक्सोसोम को कंबाइन करते हैं तो वो उनके रिजल्ट्स को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही ग्रोथ फैक्टर्स को और सिग्नलिंग पाथवेज को सही जगह पर ले जाकर हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो इनफैक्ट आजकल एक्सोसोम के साथ PDRN थेरेपी भी कंबाइन हो रही है जो कि राइबोन्यूक्लियो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो फर्दर आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, रिपेयर पाथवे स्टिमुलेट करता है एंड स्किन हीलिंग में भी हेल्प करता है। सो अगर आप ऑलरेडी PRP थेरेपी, GFC थेरेपी, QR678 जैसी थेरेपीज करवा रहे हैं, इनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू योर हेयर, जबकि एक्सोसोम्स के अंदर पैकेट्स हैं जिनके अंदर एग्जिस्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स हैं और वो क्योंकि एक्सोसोम एक डिलीवरी मॉलिक्यूल है तो वो उन ग्रोथ फैक्टर्स को सही जगह पर लेकर जा पा रहा है एंड इनफैक्ट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स का जो बेनिफिट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा और क्योंकि वो एग्जैक्टली सही जगह पर पहुँच रहा है तो उसका जो लॉन्जिविटी है वो भी बेटर होगी। तो एक्सोसोम थेरेपी इज वर्थ अ ट्राई एंड इट इज वर्थ इंट्रोड्यूसिंग इट टू योर रेगुलर हेयर ट्रीटमेंट ताकि आपकी हेयर ग्रोथ है जो फर्दर बूस्ट हो और इम्प्रूव हो। अगर आपको एक्सोसोम थेरेपी से रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछने हैं या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।